हम लोग बात कर रहे हैं एक और नए मेथड्स पे कि जैसे कोई भी मैकेनिक्स प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्व करने का डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, कई कई तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं दो तरीके पर बात कर रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व मैकेनिक्स प्रॉब्लम इनटू फोर्स मेथड एंड एनर्जी मेथड। मैं इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कुछ सपोज करो एम मास का है, ठीक है ना, जो भी हो व्हाटएवर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कुछ एच हाइट पर रखा हुआ है, ठीक है, और इसको मैं यहां से रिलीज कर रहा हूं कि u इज 0, u इज इक्वल टू 0 से मैंने इसको रिलीज किया, तो ऑब्वियस बात है ये चलेगा, चल के आएगा और फिर ये ग्राउंड से टकराएगा। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये स्पीड ऑफ द बॉल जो भी है, कि ये कितने से जब जमीन से ये टकरा रहा होगा, अपने सरफेस से टकरा रहा होगा, तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी। सपोज करें आप छत पर खड़े और वहां से कोई एक पत्थर को डाला, तो पत्थर नीचे आकर गिरेगा, वो कितने से नीचे टकराएगा, मुझे वो स्पीड चाहिए। और हम इसको दो मेथड से बनाएंगे, एक काइनेमेटिक्स जो बेसिक हमारा मैकेनिक्स मॉडल है उसके उससे रिलेटेड, मतलब काइनेमेटिक्स को यूज करके या फोर्स मेथड को यूज करके, और दूसरा होगा हमारा एनर्जी मेथड। तो अगर मैं काइनेमेटिक्स को यूज करूं तो सबसे पहले बात हम इसमें एक्सीलरेशन निकालेंगे, यू नो एक्सीलरेशन इज अ, क्योंकि फ्री फॉल है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे गिरेगा, तो ये जी से नीचे गिरेगा और मुझे मेरा काम है वी निकालना। तो इनिशियल में दिया हुआ इसमें कि u इज 0, v इज व्हाट, a इज g और हाइट भी दिया हुआ है h इज h। तो यू नो काइनेटिक्स में हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस gt, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। हमारे पास ये तीन बेसिक इक्वेशंस है। तो इसमें आप देखो हमें v चाहिए, तो इसमें v जरूर है बट टाइम लगा हुआ है, तो इस इक्वेशन को हम यूज नहीं कर सकते। h इसमें ut plus half gt square, जिसमें v नहीं है तो इसको ऑब्वियस बात है यूज नहीं कर सकते। तो v square इसको यूज कर plus 2gs, हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि हम इसी को यूज करके और बताएं कि कितना आ रहा है। तो यू नो v square को बताना है, u आपका 0, ऑलरेडी u 0 है, v square मुझे बताना है plus 2gs, तो एकदम वेरी सिंपल अंडर रूट 2gs, यानी ये पार्टिकल कितने से टकराने वाला है, अंडर 2gh। अब g का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, h जो भी है 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर 200 मीटर व्हाटएवर जो भी होगा उसको मतलब नहीं है। तो जो भी आप हाइट रखो वहां से कुछ वैल्यू पुट करेंगे वो आपको वेलोसिटी दे देगा, पार्टिकल को कितना से टकराएगा। ये था फोर्स मेथड, फोर्स मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। अब हम एनर्जी मेथड की बात करते हैं। तो यू नो अगर एनर्जी मेथड की मैं बात करूं तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कहना है एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ये हमेशा किसी भी सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब कोई भी बॉडी है तो उसका टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। यानी अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसका यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर यहां दोनों बराबर होगा, यानी t इनिशियल इज इक्वल टू t फाइनल, और t इनिशियल t में काइनेटिक एनर्जी आपका प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, यहां भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। मेरा कहना है कि टोटल एनर्जी जितना इनिशियल होगा उतना ही फाइनल होगा, टोटल एनर्जी दो टर्म में मिल सकता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मेरे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल और वही एनर्जी यहां भी मिलेगा काइनेटिक और पोटेंशियल के टर्म में। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो अगर मैं यहां पे देखूं तो u 0 है तो ऑब्वियस बात है आपका काइनेटिक एनर्जी 0, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। जब वो यहां पर आएगा तो वो कंप्लीट ग्राउंड पर आ चुका होगा, तो फिर से एक बार पोटेंशियल 0 और सिर्फ बचेगा काइनेटिक। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, और इसमें हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। हम इनिशियल में कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल में कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी 0, तो ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। वो भी कैसा, यहां पे स्प्रिंग है नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी mgh इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, फिर से एक बार मास खत्म हो जाएगा और हमें v मिल चुका जो निकालना चाहिए था, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। दिस इज द एनर्जी मेथड। तो दोनों ही मेथड से आप निकाल सकते हो, जो बेटर लगे आपको, दोनों जानना चाहिए जब भी आप उसको यूज करो। हाँ एनर्जी मेथड से थोड़ा ज्यादा यूज होता है क्योंकि हमें पता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, यानी ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सॉरी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम ऊपर से किसी बॉडी को डाल रहा है तो ऊपर पहले इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक 0 है, वो नीचे गिरेगा टोटल का टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर मैं
बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूँ तो अभी इसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाना है पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम इसको सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। इस फॉर्मूला में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपली हम mgh = half mv² लिखते हैं, mm करता हूं, v = √2gh। दिस इज द एनर्जी मेथड। ठीक है, थैंक यू।